नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। देश में एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, वो है स्मृति ईरानी का मुद्दा। जी हाँ, स्मृति ईरानी लगातार इन दिनों चर्चे में है। जिस तरह से सदन में उन्होंने माफी मांगो की अपील की थी, यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने जो है सोनिया गांधी माफी मांगो, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर हमला किया था, उस वजह से भी स्मृति ईरानी जो है वो चर्चे में थी। और साथ ही देखा गया कि स्मृति ईरानी और उनकी बेटी जोश ईरानी भी इन दिनों काफी चर्चे में थी कि एक रेस्टोरेंट जो है वो स्मृति ईरानी की बेटी के नाम पर है गोवा में, और इसे लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा भी किया था। लेकिन हाईकोर्ट से जो है फैसला आ गया था और फैसला जो है स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के हक में आया था। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो रेस्टोरेंट के नाम पर विपक्ष घेर रही है वो दरअसल स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के नाम पर नहीं है। गोवा में जो रेस्टोरेंट की बात हो रही है वो दरअसल उससे जो रिश्ता है कुछ भी स्मृति ईरानी का ताल्लुक नहीं है, ना ही उनकी बेटी का है। और उसके बाद दिल्ली कोर्ट ने यह भी कहा था कि बीजेपी के नेता के ऊपर जो लांछन लगाया गया है वो गलत है, और जितने भी ट्वीट यहां पर स्मृति ईरानी और उनके बेटी के खिलाफ किया गया है कांग्रेस पार्टी से, उसे डिलीट करना होगा। लेकिन आजकल आपको बता दें कि स्मृति ईरानी जो है काफी खामोश नजर आ रही है। इस पूरे विवाद के बाद देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी अभी सुर्खियों में थी और अब चर्चाएं जो है स्मृति ईरानी को लेकर खूब हो रही है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम आपको स्मृति ईरानी के निजी जिंदगी से जुड़ी बातें बताने वाले हैं। जी हाँ, स्मृति ईरानी एक अभिनेत्री है, सभी को पता है। उसके बाद किस तरह से वो आज एक मंत्री बनी है, किस तरह से उनका राजनीतिक सफर रहा है, ये भी काफी दिलचस्प है। और साथ ही यहाँ पर स्मृति ईरानी की संपत्ति पर भी हम बात करने वाले हैं। दरअसल देखा जा रहा है कि 2014 के बाद स्मृति ईरानी की संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया है कि 2019 में जब दोबारा से चुनाव हुए थे और उस चुनावी हलफनामे में स्मृति ईरानी ने जो अपनी संपत्ति का खुलासा किया था, जो अपनी संपत्ति के बारे में जो डिटेल्स दिए थे, उसमें साफ तौर पर देखने को मिला था कि 2014 के बाद 2019 में 5 गुना इजाफा जो है स्मृति ईरानी के संपत्ति पर हुआ था। तो चलिए आज आपको बताने वाले हैं कि आखिर करोड़ों की मालकिन स्मृति ईरानी कैसे यहां तक पहुंची, किस तरह से जो है उनके आय का जरिया क्या बना और कैसे उन्होंने इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है आज बनाई है। और आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल में बताने वाले हैं कि स्मृति ईरानी की कितनी संपत्ति है, कितने करोड़ों की मालकिन है स्मृति ईरानी और उनके आय का जरिया क्या है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेठी सांसद और भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी ने 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के गढ़ में अपना सिक्का जमाया था। केंद्रीय मंत्री बनी स्मृति ईरानी से पहले राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी हुआ करता था, लेकिन 2019 में राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और अमेठी दोनों ही जगहों से चुनाव लड़ा था। लेकिन देखा गया कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को उनकी गढ़ अमेठी में करारी हार दी थी। उसके बाद से ही स्मृति ईरानी काफी चर्चों में आई। स्मृति ईरानी राजनीति करियर की अगर बात की जाए तो बीजेपी पार्टी से उन्होंने शुरुआत की थी। कांग्रेस के खिलाफ लगातार सड़कों पर उतरकर स्मृति ईरानी ने प्रदर्शन किया था और उसके बाद बीजेपी की तरफ से जिस तरह से उन्होंने पटकनी दी थी राहुल गांधी को, उसके बाद मंत्री बन चुकी थी स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री के बाद स्मृति ईरानी लगातार चर्चों में रही है। अपनी बातों को लेकर जिस बेबाक अंदाज से वो विपक्ष को घेरती है, उन पर सवाल उठाती है, बीजेपी काफी विश्वास करती है स्मृति ईरानी पर। और हर वक्त जो है देखा जाता है कि स्मृति ईरानी अपने पक्ष में बोलती हुई नजर आती है और जनता के मुद्दों को उठाती हुई नजर आती है। वहीं अगर बात की जाए स्मृति ईरानी की संपत्ति की, तो संपत्ति की बात करें तो 2019 में स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग को पेश किए हलफनामे में बताया था कि 2014 की तुलना में उनकी संपत्ति में 5 गुना का इजाफा हुआ था। तो चलिए जाने कि भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी के पास कितनी संपत्ति है और उनकी आय का जरिया क्या है। बता दें कि इसमें स्मृति ईरानी के पति की संपत्ति शामिल नहीं है। हालांकि उनके पति के पास भी 1.69 करोड़ रुपए की चल और 2.97 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। वहीं 2019 के चुनावी हलफनामे के अनुसार स्मृति के पास 7.71 करोड़ रुपए की संपत्ति है, ऐसा खुद
उस हलफनामे में स्मृति ईरानी ने खुलासा किया है। स्मृति के पास 1.74 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 2.96 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। वहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी नेत्री स्मृति के पास 1.45 करोड़ रुपए मूल्य की कृषि आयोग भूमि है और 1.5 करोड़ रुपए का मकान इसमें शामिल है। वहीं हलफनामे के अनुसार 31 मार्च 2019 तक स्मृति ईरानी के पास 6,24,000 रुपए नगद और बैंक खाते में 19 लाख से ज्यादा की रकम थी। वहीं अगर बात की जाए तो स्मृति के पास राष्ट्रीय बचत योजना और डाक विभाग की योजना में 18 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा है, जबकि 1.5 लाख रुपए के अन्य निवेश भी किए गए हैं। वहीं स्मृति के पास 13.14 लाख रुपए मूल्य की गाड़ियां और 21 लाख रुपए मूल्य के गहने भी इसमें शामिल हैं। उनके खिलाफ कोई ना तो केस है और ना ही उन्हें कोई लोन लिया है। तो देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी के पास जो संपत्ति है, इसका खुलासा खुद स्मृति ईरानी ने अपने हलफनामे में चुनाव आयोग को कर दिया था। स्मृति ईरानी को सांसद भत्ता भी मिलता है और इसके अलावा वह अपने निवेश के जरिए कमाई करती है और यही स्मृति ईरानी की कमाई का जरिया है। अचल संपत्तियों के बढ़ाने वाले दामों से उनकी आय जो है वो बढ़ती है और ऐसा स्मृति ईरानी ने अपने हलफनामे में जो है आय का जरिया बताया है कि किस तरह से वो करोड़ों की मालकिन बनी है। तो देखा जा रहा है कि अभिनेत्री से बीजेपी नेत्री बनी स्मृति ईरानी ने कैसे राजनीति में अपनी छाप छोड़ी है, कैसे बीजेपी की तरफ से उन्होंने जो है राहुल गांधी को उन्हीं के गढ़ में हराते हुए दिखाई दी और उसके बाद स्मृति ईरानी जो है लगातार चर्चों में रही है और जिस तरह से उनके संपत्ति के बारे में आज हमने आपको बताया, उसके बाद आपको पता चल गया होगा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है करोड़ों की मालकिन है और किस तरह से उन्होंने ये करोड़ों रुपए जुटाए हैं, किस तरह से उनके आय का जरिया बना है। और यहां देखा जा रहा है कि राजनीति में अभी भी स्मृति ईरानी जो है काफी सक्रिय है और स्मृति ईरानी हर मुद्दे पर अपनी राय देते हुए भी नजर आती है। एसपीएन 9 न्यूज की रिपोर्ट। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे स्मृति ईरानी के आय में इजाफा हुआ है, कैसे करोड़ों की मालकिन बनी हुई है स्मृति ईरानी और साथ ही यहाँ पर अगर राजनीति तौर पर बात की जाए तो स्मृति ईरानी मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रही है विपक्ष को। जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने स्मृति ईरानी के पक्ष में सुनवाई की है, फैसला सुनाया है, उसके बाद एक करारा जवाब जो है स्मृति ईरानी ने बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के मुंह पर मारा है और अब स्मृति ईरानी को लेकर लगातार चर्चे हो रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के समर्थन में सदन में आवाज उठाई, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जिस तरह से आवाज उठाई, उसके बाद काफी वाहवाही जो है स्मृति ईरानी की हो रही है और यहाँ पर विपक्ष को लगातार स्मृति ईरानी के सामने झुकना पड़ रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।